और भाई आ चुके अपने प्याज के पकोड़े। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8, मैं हो रहा हूँ ऑफिस के तैयार। और अभी अभी सुबह सुबह हो गया एक सीन के ऑफिस के टाइम पे ही हो गई है बारिश। अब ऑफिस जाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, या तो अपना रेनकोट है मेरा हाँ, निकाल दिया मैंने। निकाल दिया, या तो रेनकोट पहनना पड़ेगा, या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ऑफिस जाने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, भाई दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम क्या हाल है। ज़रा अभी हवा चल रही है बहुत तेज़, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी फिलहाल तो बंद है। और देखते हैं जल्दी जल्दी ऑफिस निकलते हैं इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए। और भाई ये बना रही चाय, चाय जल्दी जल्दी बना दे अगर मैं ऑफिस निकलूँ। और भाई इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए निकलते हैं ऑफिस के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं, भाई अभी इसका दिन चाहता है कि ऑफिस में पहुँच चुका हूँ और रास्ते में मुझे कहीं बारिश नहीं मिली। वैसे मैं रेनकोट वगैरह अपना लेकर आया था, इसमें मेरा रेनकोट है और मैं लेकर आया था, मगर रास्ते में मुझे बारिश नहीं मिली है। धूप थोड़ी निकल रही है, कभी बंद हो रही है, हल्के हल्के सूरज निकल रहा है, हवा बहुत तेज़ है, इसकी वजह से थोड़ी बाइक में दिक्कत हुई थी मुझे। चलो अब मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में। कैसे हैं आप सब, हमारे नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दिन वीरवार का, साईं बाबा का दिन है आज। और शाम को देखते हैं मौसम सही रहा तो मंदिर भी जाएंगे, क्योंकि आज मौसम हो रहा है बारिश का। सुबह से ही बारिश का मौसम हो रहा है, सुबह बारिश भी आ रही थी, जिस टाइम वो ऑफिस जा रहे थे उस टाइम बारिश का मौसम हो गया था और थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई थी। तो अब मैं आ गई हूँ छत पर और देखने आई हूँ यहाँ पर क्या क्या सामान मेरा। आंधी सी चल रही है, हवा चल रही है, गिर गया है मेरे कूलर का ढक्कन, सारा नीचे टूट के गिर गया है ये पड़ा, इसको उठा लेती हूँ। ये रहा कूलर में पानी भी भर रहा है, इसे भी साफ़ करूँगी मैं। और ये मेरी दरी पड़ी है यहाँ पर, इसे भी उतार लेती हूँ क्योंकि मौसम तो आज रहेगा बारिश का, इसे उतार लेती हूँ नहीं तो ये मेरी दरी भीग जाएगी। दो चार दिन की धूप के बाद आज मौसम हो गया है बारिश का, मौसम ने ले लिया करवट, फिर दोबारा हो गई है ठंड। तो चलिए दरी मैंने यहीं रख दी है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैं छत पे आई थी थोड़ा सामान लेने के लिए और देखा मैंने मेरा कूलर भी हवा से गिरा पड़ा है, उसका ढक्कन निकला पड़ा है और दरी भी भीग जाएगी, इस वजह से मैं इसको रखने के लिए छत पर आ गई हूँ। और देखिए कैसा मौसम हो रहा है, पूरे में घटा हो रही है और तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड लग रही है, इसलिए मैंने शॉल अब सर पे ही रख लिया है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको अपना मॉर्निंग का रूटीन, साफ़ सफाई मेरी घर की और क्या क्या काम मैं सुबह करती हूँ, उठती हूँ जब क्या क्या मेरा काम शुरू हो जाता है सुबह का। तो चलिए अब मैं चलती हूँ नीचे। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय नाश्ता बनाने, चाय मेरी बन रही है और अब मैं बना लेती हूँ पराठे मम्मी और अपने लिए, वो तो चले गए हैं ऑफिस। मम्मी और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है तो पहले मैं नमक का पराठा बना रही हूँ। मम्मी और मैं सुबह नमक का पराठा बना के खा लेते हैं, एक मम्मी खा लेती है एक मैं खा लेती हूँ, फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में और फिर मम्मी खा लेगी अपनी दवाई। पहले मम्मी सुबह खाली पेट की दवाई खाती है, फिर नाश्ता करके मम्मी अपनी बाद की दवाई खाती है, नाश्ते के बाद की। तो चलिए मैं मम्मी को बना के दे देती हूँ नाश्ता, मम्मी बैठी हुई है अंदर। तो चलिए मम्मी के लिए नाश्ता तैयार कर लिया है मैंने और मम्मी को दे देती हूँ। और करारा पराठा है, चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है नमक का पराठा। चलो गिलास में ले आई, इसमें सही है। अब मैं आ गई हूँ नीचे और सबसे पहले मैं इन कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। ये कपड़े मैंने कल धोए थे लेकिन कल मैं थोड़ा ज़्यादा थक गई थी तो इस वजह से मैंने कपड़ों की रात में तह नहीं लगाई, मैं सोचा कल सुबह ही तह लगा लूँगी और फिर अलमारी में रख दूँगी इन्हें। कपड़े तो मैंने आज भी धोने की सोची थी कि मैं कपड़े धोऊँगी लेकिन मौसम ही एकदम ऐसा ख़राब हो गया है, बारिश का हो रहा है और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पूरे दिन लग रहा है आज बारिश ही आएगी, ऐसा मौसम हो रहा है। तो इस वजह से मैं आज मशीन नहीं लगा रही हूँ, मशीन मैं लगाऊंगी कल। और अब तय कपड़ों की तय बना के मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो चलिए पहले मैं कपड़ों की तय लगा लेती हूँ, फिर बाकी के और फटाफट अपने काम कर लेती हूँ, फिर बच्चों को भी उठाऊँगी क्योंकि ठंड हो रही है, बच्चे सोए हुए हैं, अगर अभी उठा दूँगी तो बच्चे फिर ऊपर नीचे करेंगे, फिर बच्चे सही से कपड़े भी नहीं पहनते हैं, ऐसे ही भग जाते हैं ऊपर, फिर इन्हें बोलना पड़ता है कपड़े पहन लो ढंग से, बच्चे कहना भी तो नहीं मानते हैं इस वजह से।
तो चलिए अब पहले मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों की तैयारी। कपड़ों की तय मेरी लग चुकी है और मैंने अभी यहीं बेड पे ही रख दिए हैं कपड़े। अभी इन्हें अलमारी में लगाऊंगी। इतने में चलो हॉल में चलती हूँ और हॉल में कुछ काम देख लेती हूँ। आज मेरे को सोफे वोफे सारे साफ़ करने हैं, सारे झाड़ के साफ़ करूँगी, गद्दियाँ दोबारा से लगाऊंगी झाड़ झाड़ के। तो चलिए अब मैं चलती हूँ हॉल में, अब करती हूँ मैं हॉल की साफ़ सफ़ाई। सोफ़े मैंने साफ़ करके झाड़ के अच्छे से लगा दिए हैं और अब मैं अंदर से फोल्डिंग उठा के ले आई हूँ। और फिर थोड़ा पंखा भी गंदा हो रहा था तो मैंने वो भी झाड़ दिया है और दीवारों पे भी मैंने थोड़े से झाड़ू से साफ़ कर दिया है। और हवा इतनी तेज़ आ रही है कि इसलिए मैंने पर्दे दोबारा लगा दिए हैं। मम्मी अंदर लेटी हुई है, मम्मी को हवा लग रही थी तो इसलिए मम्मी ने बोला पर्दे डाल दे, मैंने पर्दे डाल दिए। तो चलिए उसके लिए अभी थोड़ी देर में मैं चाय के साथ पकोड़े बना दूंगी। मौसम भी पकोड़े खाने वाला ही हो रहा है, देखिए आज का मौसम लग रहा है ऐसे ही रहेगा, घटा ही रहेगी। पूरी गली में एकदम अंधेरा ही अंधेरा सा हो रखा है और शहरी गुड्डू मेरे हॉल में खेल रहे हैं। आज तो ये दोनों बाहर जाएंगे ही नहीं, इन्हें मैं बाहर जाने नहीं दूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है और हवा भी चल रही है, फिर बच्चों की तबीयत भी वो हो जाती है, खांसी जुकाम हो जाते हैं हवा से। चलिए और मम्मी कर रही है गुड भाई के पट्टी, दिखाओ भाई कैसी लगी थी मम्मा। हाँ। तेज लगी थी, इतनी तेज, इतनी बड़ी खरोच है मम्मा। पकोड़े खाने का मन कर रहा है मेरे को, चाय चाय के साथ अदरक वाली चाय और पकोड़े। अभी बनाऊंगी जी अदरक वाली चाय बनाऊंगी और पकोड़े बनाऊंगी, आलू के पकोड़े। तेरे लिए तो मैं मिर्च का बनाऊंगी। नहीं आलू का खाऊंगी। नहीं मैं तो तेरे के लिए मिर्च का नहीं, मैं आलू की खाऊंगी। आलू खाएंगे, एक तो मिर्च का जरूर खाऊंगी। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो किस चीज़ का खाएगा? आलू। आलू के खाएगा? मैं नहीं खाना किसी भी चीज़ के, मैं खाना खाऊंगा, खाना खाएगा। ये फेंक दो ये वाले, दिखाऊंगी तो किसी और के आ सकते हो ना, अपने हाथ से दर्द नहीं होता। तो मम्मा आपके एनिवर्सरी आने वाली है ना, इसी महीने ना, है ना? कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? जब सीमा चाची की आएगी ना, उसके 5 दिन बाद है, बस इतना ध्यान रखिए। मेरे कुछ याद नहीं आ रहा, मम्मी तारीख तो बता दो। पहले आएगा चिंटू का बर्थडे। हाँ 10 दिन बाद है। फिर सीमा की आएगी एनिवर्सरी। कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? और फिर हमारी आएगी। कितनी तारीख को आएगी सीमा मम्मी की? अब तू ही हिसाब लगा यार, कैसे लगा? चिंटू के बर्थडे के बाद आएगी। चिंटू भाई क्या, कितनी तारीख को? 10 13 वो 13 14 तारीख को, 10 दिन बाद है ना भाई का बर्थडे। भाई भाई दीदी ने तो कोई और हुडी ऑर्डर करी थी ना, पिकाचू वाली आ गई, छोटी आ गई ना।
मेरे नाम की आ गई, जैसे मेरी ये हुडी है ना है, वैसी आ गई जी। सैरी लेके आ गई है अपना खजाना, और सैरी की गुल्लक में भर रखे हैं पैसे। क्या लाएगी इनका? मैं। क्या चाहिए? मैं। आधे पैसे इसमें गुड्डू के हैं है ना, पर इसके बस 50 रुपए हैं। इसके बस 50 रुपए पूरे मेरे। कितने पूरे टोटल? कितने टोटल? क्या कितने गुड्डू टोटल? गिन ले तेरे को पता, मैं तेरे को तो पता है, तो गिन लिए 10 20 30 40 पैसे ऐसे फेंकते नहीं है, हाथ में पकड़ाते हैं। कितने हुए? कितने थे अभी भूल गई। ये थे 40 50 60 70 80। शहरी रोज किसी ना किसी से पैसे लेती है 10-10 रुपए, कभी मेरे से, कभी अपने पापा से, कभी बड़ी मम्मी से। हैं 100 हो गए, 200 110 110 120 130 140 150। और ये 50 का है, 50 का मेरे को पता है। शहरी को गिनती नहीं आ रही सही से, नोट गिनने नहीं आ रहे। गुड्डू इसके पैसे हम निकाल भी सकते हैं, ऐसे गिनती कर आती नहीं है। हम चुपा देंगे, हम उसमें लॉक लगा देंगे। शहरी तेरे पैसे कोई ले भी सकता है? गिनती तो तेरे को सही से आ नहीं रही गिननी। कितने नोट है तेरे पास? है कितने गुड्डू भाई बता देगा? कितने 204 रुपये। हो गया है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और बहुत तेज़ चल रही हैं तेज़ ठंडी हवाएं, और लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए मैंने पहन लिया है शहरी का टोपा और इसके पापा की जैकेट पहन ली है मैंने। और ये शहरी क्या कर रही है हॉल में? क्या सुई खोदी? क्या सुई खोदी? ओह ये लड़की करती है इतनी शैतानी करती है। मैं सील तो रही थी, वो क्या लाऊँ? क्या वो क्या वो क्या वो जिससे यूं करके देखते हो, जिससे छोटी चीज बड़ी दिख जाती हाँ, है क्या चश्मा? जो छोटा सा यूं करके होता है वो क्या होता है छोटा सा यूं करके? एक गोल शीशे की तरह होता है वो। हाँ हाँ क्या बोलते हैं उसको? उसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है। आप देखो अब क्या देखूं, मैं तो खुद अंधी हूँ। चश्मा आत्मा। और ये सालू आ गई है, इसके लिए गर्मी है, इसने बस एक टी शर्ट पहन रखी है। चश्मा लेके आ, मेरा चश्मा पहन के ढूंढूंगी। और शहरी ने खो दी है सुई, इसने फर्श पे सुई खो दी है। शहरी चश्मा लेके आ, मैं देखती हूँ। तो दोस्तों अभी हो चुका सीन भाई, ऑफिस से निकलती होगी बारिश, और मैं भी थोड़ा भीग चुका हूँ। सुबह तो ठीक ठाक आ गए थे, सुबह बारिश नहीं हुई थी, मौसम ठीक था, मगर अब आते समय बारिश हो गई है। अब निकाल लेते अपना रेनकोट और चलते हैं भाई घर, फिर मिलते हैं आपसे घर पर चल कर। ठंड भी हो रही है भाई, बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। चलो चलते हैं भाई। आ गए हैं ऑफिस से और ये भीग गए हैं। तेज बारिश हो रही थी आप रास्ते में, सुबह गया जब नहीं थी आते टाइम बारिश मिल गई, फिर मैंने रास्ते में रुका, फिर वो निकाला रेनकोट, फिर पैरों से पहले थोड़ा भीग गया था मैं। अच्छा दो दिन की बारिश बताई है, दूसरा नाले नहीं। क्या चाहिए? तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए पकोड़े बनाने के लिए, और इसके पापा भी कह रहे हैं कि प्याज के पकोड़े बना ले, मौसम हो रहा है ठंडा, बारिश हो रही है। और इसके पापा भी आए ऑफिस से और भीग भी गए थे इसके पापा, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए और इनके लिए बना रही हूँ प्याज के पकोड़े और आलू के पकोड़े। तो चलिए बनाती हूँ। चलिए पकोड़े बनाने की तैयारी मैंने कर ली है। ये है इसमें प्याज, दो प्याज काट रखी है मैंने बड़ी बड़ी इसमें, और ये कच्चे आलू हैं, ये मैंने कद्दूकस कर रखे हैं, और ये मैं इसी में मिला दूँगी प्याज में। और ये अदरक है कद्दूकस कर रखी है, हरा धनिया है, और ये दो हरी मिर्च हैं, और ये हल्दी है, मिर्च है और नमक है। भाई आ चुके अपने प्याज के पकोड़े, गुड्डू भी बैठ चुका खाने के लिए, शहरी ये थी।
और इसकी मम्मी ने बनाए प्याज के पकौड़े, क्योंकि आज हो रही है बरसात, हो गई है ठंड। चलो आप भी खाओ, हम लेते हैं प्याज के पकौड़े का मज़ा। तो चलिए, अब मैंने पकौड़े तो बना लिए हैं, अब मैं सब्जी भी बना लेती हूँ और आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी मैं। और पहले मैं कर लेती हूँ आलू को फ्राई, फिर उसके बाद मैं कर लूँगी गोभी को फ्राई। लीजिए, सब्जी हमारी बन चुकी है, आलू गोभी की सब्जी है। और क्या कलर आया है इसका, ये देखिए। और चलिए दे देती हूँ मैं सबको खाना। ये हमारी आलू गोभी की सब्जी, और आइए और आप भी खाइए। तो चलिए इसके पापा को दे देती हूँ खाना। मैं पापा के साथ खाऊंगा। पापा के साथ खाना है? हाँ, खा लो खाना। चलो, किचन का हो गया मेरा सारा काम, और अब चलती हूँ मैं अंदर, कर देती हूँ किचन की लाइट बंद और देखती हूँ ये क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं अपनी जैकेट प्रेस। अरे भीग गई थी बारिश में। हाँ, आज बारिश में भीग गए थे तो इनकी जैकेट भी भीग गई थी। अब ये इसे सुखा रहे हैं कॉटन की चुन्नी रख के, ऐसे चिपक जाएगी ना जैकेट, जलेगी ना। हाँ, हो रही है इसे, सही हो रही है। हाँ, हो रही है। तो चलिए, खाना तो हमने खा लिया है, अब कर देते हैं अपनी वीडियो की एंडिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय।